नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद खूबसूरत से गार्डन में लेकर आया हूँ, जहाँ पर आते ही आपके मन की सारी स्ट्रेस दूर हो जाएगी, आपका मन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, ये एक गार्डन है जो कि बड़े बड़े पेड़ से घिरा हुआ है। बहुत ही कलरफुल प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। सामने जो एक पौधा आपको दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल प्लांट है जो कि इस गार्डन को चांद चांद लगा दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको कोई कहता है कि आप अपने गार्डन को बिना फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए कलरफुल नहीं बना सकते हो, तो आप उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। दोस्तों, इस प्लांट का नाम है क्रोटोन, जो कि बहुत ही आराम से कड़ी धूप में भी चलता है, लेकिन आपको वाटरिंग का बहुत ही खास ध्यान रखना होगा, और पार्शली शेडेड एरिया में तो और भी अच्छा करता है। दोस्तों, सामने आप जैस्मिन का पौधा देख रहे हैं जो कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है वो प्लांट जब फ्लावर्स खिलते हैं। आगे चलते हुए कुछ और क्रोटोन के प्लांट्स लगाए गए हैं, और साथ ही ड्रेसिना का पौधा आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में। ड्रेसिना के भी काफ़ी कलरफुल प्लांट्स काफ़ी वेराइटीज़ में आते हैं, जो कि बहुत ही हार्डी पौधा है। कम पानी में भी बहुत ही आराम से और कड़ी धूप में बहुत ही आराम से ये ग्रो कर जाता है। दोस्तों, सामने आप एक्जोरा का पौधा देख रहे हैं, रेड कलर की एक्जोरा आप देख रहे हैं, जिनमें बंचेस में फ्लावर्स आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये आपके गार्डन को कलरफुल बना देगा। इसमें और भी कलर्स आते हैं, वाइट, येलो, पिंक और भी कलर्स आते हैं। दोस्तों, तो आप एक्जोरा के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। साथ ही आगे चलते हुए कुछ पान के पत्ते आप देख रहे हो, जिसे इंग्लिश में बीटल लीफ भी कहते हैं, और कुछ एलोवेरा के पौधे हैं, और इधर एक कड़ी पत्ता का बड़ा सा पेड़ है, और कुछ रियो का पौधा लगा हुआ है। दोस्तों, कड़ी पत्ता एक हर्बल प्लांट है जो कि आपके कुकिंग में यूज़ हो सकता है, तो आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में ऐड करें। बटरफ्लाइज़ को भी बहुत ही आराम से अट्रैक्ट करता है कड़ी पत्ता। सामने एक सिंगोनियम का पौधा है जो कि बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, और ये एक 4 o'clock का पौधा है। दोस्तों, ये एक डेफिनबेजिया का पौधा है जो कि बेहद खूबसूरत पौधा है, और ये पार्शली शेडेड एरिया में या फिर कम धूप वाले एरिया में बहुत ही अच्छे से चलता है। इसका वाटरिंग का खास ख्याल रखना पड़ता है। दोस्तों, ये एक बेहद ही खूबसूरत गार्डन है, जहाँ पर आपको चलते ही बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये एक सिटिंग एरिया है, और पीछे में कुछ पाम ट्रीज लगाए गए हैं। दोस्तों, ये कड़ी धूप में भी चलता है, लेकिन पार्शली शेडेड एरिया में ज़्यादा अच्छा करता है। आगे चलते हुए यहाँ पर कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए गए हैं, मूज रोज के व्हाइट और पिंक वैरायटी लगाई गई है, और इधर एक और एक्जोरा का पौधा लगाया गया है, और सामने कुछ बनाना के पेड़ है, और कुछ ऑक्जेलस के पर्पल कलर के प्लांट आप देख सकते हैं, जो कि बल्ब से बहुत ही आराम से ग्रो करता है, और इनमें कुछ फ्लावर्स भी आते हैं। ये एक चंपा का पौधा है जिनमें व्हाइट कलर के फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, बेहद खूबसूरत लगता है और बहुत ही टॉल ग्रो करता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।